वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू वी आर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 32 की, जो कि बात करता है सूट बाय और अंगेज माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि कौन सा व्यक्ति जो माइनर है वह के अभ्यस्क है वो कैसे कोर्ट में केस दाखिल करेगा, और अगर अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति है, तो वह कोर्ट में कैसे केस है जो सबमिट करेगा, दाखिल करेगा, इसके बारे में प्रोसीजर बताया गया है ऑर्डर 32 में। तो इसका प्रीवियस वीडियो में आपको 11 रूल 11 तक आपको क्लियरिफाई कर सकती हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता, तो इस किसी भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है अभ्यस्कवादी या आवेदक द्वारा व्यस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली जो कहते हैं चर्चा क्या है, कोर्स ऑट टू बी फॉलो बाय माइनर प्लेंटिव एंड एप्लीकेंट टू अटेंडिंग मेजोरिटी, यानी कि वह क्या है, व्यस्क हो गया है। पहले वो माइनर था, अब वो व्यस्कता प्राप्त कर लिया, उसने मेजोरिटी प्राप्त कर ली है, उसके बाद क्या केस में चेंजेस आएंगे, जो केस उसने कोर्ट में दाखिल किया उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो रूल 12 कहता है कि अभ्यस्कवादी यानी कि जो माइनर प्लेंटिफ है या अभ्यक्ष जो बाद में पक्षकार तो नहीं है, किंतु उनकी उसकी ओर से कोई आवेदन एप्लीकेशन लंबित है, एप्लीकेशन दी हुई है, व्यस्क होने पर जब वह मेजोरिटी प्राप्त कर देता है तो वह क्या निर्वाचन कर सकेगा, चुन सकेगा कि वह वाद या आवेदन जो वह केस चालू है कोर्ट में वो आगे बढ़ाना चाहता है, या कोई एप्लीकेशन दी हुई है, आवेदन किया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता, उसका चुनाव कर सकता है जब वो व्यस्क हो जाता है केस में। नेक्स्ट आता है सब रूल 2 कहता है रूल 12 का कि जहां वह वाद या आवेदन आगे चलाने का निर्वाचन करता है, चुनता है कि जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा या जो प्रोसीडिंग चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, वहां वह मित्र के जो बाद मित्र है, नेक्स्ट फ्रेंड बनाया गया है उस केस में, के उन्मोचन के आदेश के लिए या स्वयं अपने नाम से आगे कार्रवाई चलाने की इजाजत के लिए आवेदन कर सकेगा, कि जो बाद में नेक्स्ट फ्रेंड बनाया गया था उस केस में उसे हटा दिया जाए और जो है मेरे नाम से क्या है केस कंटिन्यू रखा जाए, तो इसका जो है आवेदन एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। रूल 3, सब रूल 3 कहता है रूल 12 का कि ऐसी दशा में उस बाद उस केस में या आवेदन पर जो एप्लीकेशन दी हुई है कोर्ट में का शीर्ष इस भांति शुद्ध कर दिया जाएगा, उसमें ऐसे चेंजेस कर दिए जाएंगे कि उसका रूप तत्पश्चात निम्न प्रकार का हो जाएगा, मीन्स का जो है ए बी लेटर माइनर वाई सी डी हिज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेंडेंट मेजोरिटी, यानी कि जो अभ्यस्त था वो व्यस्क हो गया है और उस केस में वह अब क्या है अपने केस को खुद चलाना चाहता है, तो इस तरीके का जो भावार्थ है लिखा जाएगा। सब रूल 4 कहता है रूल 12 का कि जहां वह वाद या आवेदन का परित्याग करने का को चुनता है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है वह खत्म कर दिया जाए या जो एप्लीकेशन दी हुई है वो खत्म कर दी जाए, तो उस केस को वो चुनता है कि इसको खत्म करना है। वहां यदि वह एकमात्र वादी है, जो केस चल रहा है वो इकलौता वादी है उस केस में, या वह एकमात्र आवेदक है यानी कि जो एप्लीकेशन दी हुई है उसने आवेदन किया हुआ है वो इकलौता है, तो उस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि जो खर्चा प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार द्वारा उपगत किया गया है या जो उसके बाद मित्र द्वारा दिया गया है, उस खर्चे के परिसंदाय पर वाद या आवेदन खारिज कर दिया जाए, यानी कि जो आवेदन करना है उस आवेदन के बाद क्या है जो खर्चे वगैरह है उसे देने के बाद जो केस चल रहा है उसे खत्म कर दिया जाए, ऐसा आवेदन कोर्ट में कर सकता है जो यानी मेजोरिटी प्राप्त कर लेता है, व्यस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उस केस में। सब रूल 5 कहता है रूल 12 का कि इस नियम के अधीन कोई आवेदन एक पक्षीय किया जा सकेगा, किंतु बाद में को उन्मोचित करने वाला या अभ्यस्त वादी को स्वयं अपने नाम से कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात करने वाला कोई भी आवेदन बाद में की सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा,
कि जिस तरीके से चेंजेस करनी है तो उसमें नेक्स्ट फ्रेंड को पहले क्या है उसकी सूचना नोटिस देना होगा, उसके बाद ये जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल 13। रूल 13 क्या कहता है? रूल 13 कहता है जहां अभ्यस्क सहवादी वयस्क होने पर बात का निराकरण करने की वांछा करता है, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेंडिंग मेजोरिटी डिजायर टू रिपुडेट सूट। इट मीन्स कि जहां जो अभ्यस्क है वो सहवादी है, वयस्क होने पर बात का निराकरण करने की वांछा करता है कि उसे उस केस से हटा दिया जाए, वहां वह यह आवेदन करेगा कि सहवादी की हैसियत से उसका नाम काट दिया जाए, और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष होगा तो वह आवश्यक पक्षा नहीं है तो न्यायालय खर्चों के संबंध में या अन्यथा कुछ शर्तों के साथ वह जो ठीक समझे उसे बाद में खारिज कर देगा। यानी कि जो माइनर जो व्यक्ति का जो पर्सन का जो वयस्क हो गया है वह अपना नाम कटवाना चाहता है उस केस से, और अगर कोर्ट को लगता है कि वह इम्पोर्टेंट पक्षकार नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्टी नहीं है, तो उसके आवेदन पर, उस माइनर ने जो आवेदन किया था जो वयस्क हो गया है उसके आवेदन पर क्या है उसका नाम काट सकता है। नेक्स्ट आते हैं आवेदन की सूचना की तामील बाद मित्र पर, किसी सहवादी पर और प्रतिवादी पर की जाएगी, लेकिन जो एप्लीकेशन दी गई है उसकी सूचना सारे पक्षकारों को की जाएगी। सब रूल 3 कहता है कि ऐसे आवेदन के सभी पक्षकारों के या बाद में की तब तक की गई सभी या किन्हीं कार्रवाइयों के खर्चे, जो खर्चे हैं ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे जो वह कोर्ट ठीक समझे। नेक्स्ट आता है कि जहाँ सब रूल 4 कहता है कि जहाँ आवेदक वाद का आवश्यक पक्षकार नहीं है, केस का इम्पोर्टेंट पक्षकार नहीं है जिसने एप्लीकेशन दिया है, वहां न्यायालय उसे प्रतिवादी बनाए बनाए जाने का निर्देश दे सकेगा। अगर वह इम्पोर्टेंट पक्षकार नहीं है वहां न्यायालय उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट बनाए जाने की क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 14। रूल 14 कहता है अयुक्ति युक्त और अनुचित वाद, अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट के बारे में क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। यदि अभ्यस्क जो है जो माइनर है एकमात्र वादी है तो वह वयस्क होने पर मेजोरिटी प्राप्त करने पर आवेदन कर सकेगा कि उसके नाम या में उसके बाद मित्र द्वारा संस्तुत वाद इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वह अयुक्तियुक्त और अनुचित था, कि जो बाद मित्र ने केस दाखिल किया था वो इस आधार पर खारिज कर दिया जाए। ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में देता है कि उस बात को खत्म कर दी जाए उस केस को, तो कि वह क्या था, इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर तरीके से था और अनरीजनेबल था, तो कोर्ट इसमें ऐसा आवेदन कर सकता है। इसका सब रूल 2 कहता है कि इस आवेदन की सूचना की तामील समरस सभी पक्षकारों पर की जाएगी और ऐसी अयुक्ति युक्ति औचित्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय आवेदन को मंजूर कर सकेगा, और आवेदन के संबंध में सभी पक्षकारों के खर्चों का और बाद में किसी बात के होते हुए खर्चों को देने का आदेश ही कौन खर्चे को देगा बाद मित्र को दे सकेगा, और ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो कोर्ट ठीक समझता है। कोई कॉस्ट वगैरह अगर रिलेटेड कोई है तो उसका ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 15। रूल 15 कहता है नियम 1 से लेकर नियम 14 तक का, जिसमें नियम 2 का सम्मिलित नहीं है, विकृत चित्त वाले व्यक्तियों को लागू होना। ये जितनी प्रोसीडिंग्स मैंने आपको रूल 1 से लेकर 14 तक जो बताई है, तो रूल 15 कहता है कि वो सारी प्रोसीडिंग्स किस पे अप्लाई होंगी, जो विकृत चित्त व्यक्ति है, अनसाउंड पर्सन है, उस पे सेम अप्लाई होंगी। बात के लंबित रहने से पूर्व जिसके दौरान विकृत चित्त न्याय निर्णय किए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भी लागू होंगे जो न्याय निर्णय नहीं किए जाते हैं, किंतु जब वे वाद लाते हैं उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है तब वे न्यायालय द्वारा जांच किए जाने पर किसी मानसिक दुर्बलता के कारण अपने हित की संरक्षण करने में असमर्थ पाए जाते हैं। तो उनपे सारे ये सारे रूल्स जो माइनर पे अप्लाई हुए वो सारे रूल्स किस पे अप्लाई होंगे, अनसाउंड माइंड पर्सन पर। नेक्स्ट आते हैं रूल 16। रूल 16 जो बात करता है वो सेविंग्स के बारे में बात करता है,
कि इस आदेश की कोई बात विदेशी राज्य के ऐसे शासकों को लागू नहीं होगी जो अपने राज्य के नाम से वाद लाता है और जिसके विरुद्ध उसके राज्य के नाम से वाद लाया जाता है, या केंद्रीय सरकार के निर्देश से जिसके विरुद्ध अभिकर्ता के नाम से या उसके किसी अन्य के नाम से वाद लाया जाता है, तो उस पर ये नियम अप्लाई नहीं होंगे। इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जो अभ्यस्कों द्वारा या उनके विरुद्ध या पागलों व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों के संबंध में किसी भी तरह समय स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव डालती है और किसी रूप से उसे अल्पीकृत करती है। तो ये हो गया, इसमें रूल 16 में सेविंग्स दी हुई थी कि ये संहिता का कहाँ ये सेक्शन लागू होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में बात की गई थी। तो ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर 32। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्डर 32A, जो कि है रिलेटेड कुटुंब से संबंध रखने वाले, फैमिली से रिलेटेड जो इश्यू हैं उससे संबंधित जो केस हैं उसके बारे में बात करता है। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।